Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Muhammad Nasser Shahzad from University of Education. The name of subject is Zoo Geography and Paleontology. The subject is comprises of 3 plus 1 is equal to 4 hours, 4 credit hours. Today we are going towards the first lecture of Zoo Geography, in which we will discuss about the basics of zoogeography, its different classes and distribution of animals in Pakistan. आज ये बेटा हमारा ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम बेसिकली हम जू जियोग्राफी इसकी डेफिनेशन इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस और जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली उसको हम इसमें स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जू जियोग्राफी की डिफरेंट डेफिनेशन आती हैं. तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम वो साइंस की ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज को देखेंगे. किन की डिस्ट्रीब्यूशन? एनिमल्स की या प्लांट्स की. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जिनको हम फाना और फ्लोरा का नाम देते हैं वो जमीन के किसी भी हिस्से पे जहां जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हम उनकी यहाँ पे लोकेलिटीज को या डिस्ट्रीब्यूशन को इसके अंदर चेक करेंगे. उसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जू जियोग्राफी बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बायो जियोग्राफी मतलब होता है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जमीन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे. उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है उसके मुताबिक जू जियोग्राफी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिकली वक्त और स्पेस यानी कोई एक खास लोकेलिटी के ऊपर मुख्तलिफ एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख सकते हैं. इसके बाद जो जू जियोग्राफी की एक और डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक जो खास जमीन का एरिया है उसके ऊपर मुख्तलिफ एनिमल्स की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप की हो सकती है और उस एरिया का जो लोकली इन्वायरमेंट है या वहाँ की जो नेचर है वो किस तरह की पॉसिबल है. उसके बाद हमारे पास दो बेसिक ब्रांचेस आती हैं जू जियोग्राफी की जिनमें से एक आती है इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी और दूसरी आती है हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी को. इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी का मतलब एक ऐसी जू जियोग्राफी या एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर इस वक्त हम प्रेजेंटली जो मुख्तलिफ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं उन तमाम की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे स्पेसिफिकली चेक करेंगे. उसके बाद जो हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास्ट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हुआ करते थे उनकी यहाँ पे डिस्पर्सल देखेंगे वो किस तरह के यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किन किन एरियाज के अंदर थी और उनकी एक्सटेंशन उनमें से किन किन टेक्सास की किन किन एनिमल्स की जमीन से एक्सटेंशन हो चुकी है. हमारे पास डिटरमिनेशन इसमें यहाँ पे आती है क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है साइंस ऑफ प्लेस यानी किसी खास जगह की साइंस. इसके अंदर हम क्या करेंगे जमीन के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं छोटी छोटी प्लेसेस होती हैं उनके ऊपर हम एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली देखते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है उसको हम नाम देते हैं फोनिस्टिक्स. फोनिस्टिक्स के अंदर बेसिकली क्या करेंगे जितने स्कॉलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ एनिमल्स की लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे किसी भी स्पेसिफिकली एरिया के अंदर जो एनिमल्स मौजूद हैं उनकी वहाँ पे लिस्ट जो है वो बनाई जाती है. अब ये जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट को बनाने के बाद यही जो रिसर्चर्स हैं जिनको हम फोनिस्टिक्स का नाम देते हैं वो उन लिस्ट्स को मुकम्मल तौर पर यहाँ पे एनालाइज करते हैं. तो जब उन लिस्टों को एनालाइज किया जाता है तो एनालाइज करने के बाद वहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल जो आपस में आइडेंटिकल हैं जिनकी ओरिजिन आइडेंटिकल है उनको मुकम्मल तौर पर दूसरों से सेपरेट करके अलग प्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद जो फोनिस्टिक्स यहाँ पे होते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे फैक्चुअल मटेरियल्स का जो डाटा है जो बेसिकली जू जियोग्राफी के मुख्तलिफ रीजन्स के लिए दरकार होता है उसको वहाँ पे इकट्ठा करते हैं. उसके बाद मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ रेंजेस जो हैं एनिमल्स की मुख्तलिफ स्पीशीज की जो रेंजेस हैं उनको भी वहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है.
Dear students, now we are going towards the basic topic that is called as animals of Pakistan, or it can be called as perspectives of wildlife in Pakistan, or it can also be called as potential of wildlife in Pakistan. About the location of Pakistan. Pakistan is bounded on the north and northwest side by Afghanistan, and on the northeast side there is Jammu and Kashmir, and on the east and southeast side there is India. South side is Arabic Sea, and on the west side Pakistan is bounded by Iran. Pakistan, if we talk about the different altitude and temperatures, Pakistan is the one of basic countries in which there is a lot of altitudes, latitudes and varying temperature. यहाँ पे अगर टोपोग्राफी की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इंडस रिवर भी मौजूद है, और इंडस रिवर जो है जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है. हमारे पास आपको जैसे आपको पता है कि हमारे पास एक इंडस रिवर मौजूद है. जो इंडस रिवर है वो क्या करता है, हमारे इस पूरे पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. एक जगह जो जो मौजूद है वेस्ट साइड पे, वहाँ पे बलूचिस्तान की हाईलैंड्स मौजूद हैं, जबकि जो उसकी ईस्ट साइड है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर प्लेन एरिया मौजूद है, जिसको हम इंडस प्लेन्स का नाम देते हैं. उसका जैसा कि ऊपर अभी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे जगह टू जगह जो है वो वेरी करता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं वो तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 49 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन समर्स में हो सकता है, जबकि अगर हम बात करते हैं विंटर में तो विंटर में ये तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट इन एवरेज हो सकता है. जैसा कि आपको पता है कि विंटर के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास ऐसे भी एरियाज मौजूद हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पर स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी जाता है. लेकिन दूसरी तरफ ऐसे एरियाज भी मौजूद हैं जिस तरह के कराची है, इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास और शहर मौजूद हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन इससे 13 या 13 से ज्यादा भी हो सकता है. उन तमाम की जो एवरेज हमारे पास बनती है वो तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड बनती है. इफ वी टॉक अबाउट द रेनफॉल इन पाकिस्तान, Pakistan is one of those countries having a lot of rainfall. If we talk about the region Pakistan, region Punjab, Punjab receives about 4508 millimeter of rainfall per year. If we talk about the arid regions of southeast and southwest, that contains less rainfall in between 127 millimeter. Most of the rainfall in Pakistan occurs from जुलाई टू सितंबर. पाकिस्तान की वेजिटेशन के लिहाज से, तो पाकिस्तान की जो वेजिटेशन हैं वो अल्टीट्यूड के लिहाज से वेरी करती हैं. अल्पाइन फ्लोरा की अगर आप बात करते हैं तो अल्पाइन फ्लोरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लोप पाई जाती है, और उस स्लोप के अंदर काफ़ी घने जो जंगलात हैं वो मौजूद होते हैं, जिनके अंदर कीड़ या जिसको हम पाइन का नाम देते हैं वो दरख्त वहाँ पे मौजूद होते हैं. इसके अलावा एवरग्रीन ओक्स जो हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं. देवदार के दरख्त जो हैं वो वहाँ पे लोअर अल्टीट्यूड पे मौजूद हो सकते हैं. इसके बाद तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 68% एरिया ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर वाटर लॉग्ड है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सैलिनिटी पाई जाती है, जिसको आम अल्फाज के अंदर हम सेम और पोर का इलाका कहते हैं. इसके अलावा जो पाकिस्तान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में खूबसूरत चट्टाने, दरिया और झीलें, इसके अलावा डेजर्ट्स, फॉरेस्ट या मैंग्रोव वगैरह भी हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की खूबसूरती को खूबसूरती में इजाफा करते हैं. बेटा हम चलते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट जोन्स की तरफ, इकोलॉजिकल जोन जहाँ पे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. उसमें सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कोल्ड फॉरेस्ट की तरफ. जो कोल्ड फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न साइड है या जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका कहते हैं, उन इलाकों के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टाने जो हैं वो मौजूद हैं, और इन एरियाज का जो सतह समुद्र से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 5000 मीटर्स तक ऊंचाई इनकी हो सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ जो है या ग्लेशियर्स हैं वो पाए जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पर उसको ऊपर से कवर करके रखते हैं. इसके बाद
ये हमारे पास बेसिकली एरिया है, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और इसके अलावा ये जो एरिया है मुकम्मल तौर पर एरिड समझा जाता है, जिस वजह से हम इसको कोल्ड डेजर्ट का नाम ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई हरियाली हमें नहीं मिलती, यहाँ पे अगर कोई दरख्त मौजूद भी है तो बहुत कम उनकी तादाद होती है। बस यहाँ पे आती है एनिमल्स और प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट्स की, तो प्लांट्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मैंने ये डाटा दे दिया है, आप इसके मुताबिक इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक हमारा जो सब्जेक्ट है वो जू जियोग्राफी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो हम अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिहाज से हिमालयन आईबैक्स, उसके अलावा स्नो लियोपर्ड, ब्रहाल लिंक्स, उसके अलावा स्नो कोक और स्नो पेट्रिस जो हैं, ये मुख्तलिफ एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। आगे आप इनकी मुख्तलिफ जो डायग्राम्स हैं उनको भी आगे देखेंगे। है उसको नाम देते हैं अल्पाइन मीडोज। अल्पाइन मीडोज जो है बेसिकली ये एरिया फर्स्ट अभी आपने जो एरिया पढ़ा है उससे थोड़ा सा निचले लेवल पे मौजूद है, उसी अभी आपने ऊंचाई देखी थी जो कि तकरीबन 5000 मीटर थी, लेकिन उससे थोड़ा सा निचला जो एरिया है जो कि तकरीबन 4500 मीटर से लेकर 4200 मीटर के इन बिटवीन का जो एरिया है उसको हम अल्पाइन मीडोज का नाम देते हैं। तो ये जो एरिया है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हजारा का जो इलाका है उसकी जो नॉर्दर्न साइड है, उसके अलावा दीर, सवात, गिलगित का कुछ एरिया, चित्राल और आजाद कश्मीर के इलाके जो हैं वो इसमें शुमार किए जाते हैं। तो आगे इसके प्लांट्स हैं इनको आप स्किप करते हैं। तो आगे अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिहाज से यहाँ पे स्नो लियोपर्ड, हिमालयन आईबैक्स, रेड बियर, स्नो पिजन, स्नो पैट्रिज, मोनालफिजेंट और ब्लू फ्रॉन्टेड रेड स्टार्ट मौजूद होते हैं। हमारे पास जो थर्ड रीजन आता है उसके बाद अल्पाइन के बाद उसको नाम देते हैं सब अल्पाइन फॉरेस्ट। जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट है उसके अंदर हजारा का इलाका, उसके अलावा दीर, सवात, चित्राल और आजाद कश्मीर के कुछ इलाके जो हैं इसमें शुमार किए जाते हैं। इनकी जो बुलंदी है वो सतह समुद्र से तकरीबन 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के इन बिटवीन समझी जाती है। आगे प्लांट्स इनको स्किप करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स के लिहाज से यहाँ पे मस्कडियर, उसके अलावा पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है जिसको मारखोर का नाम देते हैं, उसके बाद स्नो लियोपर्ड, स्टोन मार्टन, रोज फिंच, चकोर या चकोर पैट्रिज जिसको नाम दिया जाता है, जिसका आपको ऑलरेडी पता है कि ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, उसके अलावा ट्रेगोपैन और मोनाल फिजेंट्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, ऊपर एक बात आपको बतानी याद नहीं रही कि ये हमारे पास जितने एनिमल्स नजर आ रहे हैं आपको ये डिफरेंट रीजन के अंदर, इसके अलावा भी वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये एनिमल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में है, या इन एनिमल्स की जो तादाद है वो बाकी एनिमल्स की निस्बत ज्यादा है, इसलिए सिर्फ हम इन एनिमल्स का यहाँ पे जो प्रेजेंट है सिर्फ हम इन एनिमल्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। है उसको देते हैं यहाँ पे ड्राई टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। जो ड्राई टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट है ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट से थोड़ा सा मजीद लोअर अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। इसके अंदर जो कागान का इलाका है, नारान कागान का, उसके अलावा मालम जब्बा की जो वैली है, उसके अलावा दीर या गिलगित से पहले उनका डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको डिस्ट्रिक्ट चलास कहते हैं, आगे गिलगित का थोड़ा सा इलाका और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं इसके अंदर यहाँ पे शुमार किए जाते हैं, और यहाँ पे आमतौर पर मानसून के अंदर
जो बारिशें हैं वो या तो होती नहीं है, अगर होती हैं तो बहुत कम बारिशें यहाँ पे देखी गई हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिहाज से यहाँ पे ब्लैक बियर, गैजल, स्टोन मार्टन, कॉमन लियोपर्ड, मारहोर, व्हाइट कैप्ड बंटिंग्स, उसके अलावा मैगपीज, रोज फिंच, ब्लैक थ्रोटेड जे एंड चकोर शामिल हैं। नेक्स्ट, हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं ये उसे मजीद लोअर अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जिसका जो अल्टीट्यूड है सतह समुद्र से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 1650 मीटर से लेकर 3000 मीटर के इन बिटवीन होती है। यहाँ पे समर्स के अंदर जो बारिश है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लास्ट रीजन। उसके अलावा यहाँ पे जो विंटर्स हैं उनके अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो इलाके शामिल किए जाते हैं एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रे गोराल, रईसस मंकी, लंगूर, ब्लैक बियर, येलो थ्रोटेड मार्टन, जंगल क्रो, बुलबुल्स, उसके अलावा कोकलास फीजेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आ रहा है इसको ना देते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। इसकी जो सतह समुद्र से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 900 मीटर से लेकर 1650 मीटर तक है। यहाँ पे जो एरिया शामिल किए जाते हैं उसके अंदर घोड़ा गली, मरिकहूटा हिल्स, उसके अलावा एबटाबाद, मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली के इलाके यहाँ पे शुमार हैं। अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ के अंदर ग्रे गोराल, कॉमन लियोपर्ड, येलो थ्रोटेड मार्टन, स्पॉटेड डॉग्स, लार्ज कुकू श्रिंक्स, उसके अलावा ब्राउन फ्रॉन्टेड वुड पेकर्स और क्लीज फीजेंट्स वगैरह जो हैं शामिल हैं। यहाँ पे शामिल किया जा रहा है उसका नाम है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो एरिया है बेसिकली इसकी जो सतह समुद्र से जो ऊंचाई है वो तकरीबन 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। इसके अंदर जो इलाके यहाँ पे शामिल किए जाते हैं उसके अंदर जेलम का इलाका है, उसके अलावा रावलपिंडी के जो फोर्ट हिल्स हैं, बारगला के फोर्ट हिल्स, ये तमाम एरिया यहाँ पे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद समर्स और स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे जो मौसम है आमतौर पर गर्म और खुश्क होता है, लेकिन जब समर्स एंड होने लगती है तो उस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा मिकदार में बारिश भी होती है। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स के लिहाज से ग्रे गोराल, बाकिंग डियर, पैराकाल कैट्स, उसके अलावा वाइल्ड बोर्स, येलो थ्रोटेड मार्टन्स, कॉमन लियोपर्ड्स, क्लीज 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 फीजेंट्स, उसके अलावा चियर फीजेंट्स, चकोर पैटरेज और ग्रे पैटरेज वगैरह शामिल हैं। बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा है जिसको हम ड्राई सब ट्रॉपिकल टेम्परेट हैबिटेट का नाम देते हैं।
इस एरिया के अंदर जो सतह समुद्र की ऊंचाई है वो तकरीबन 900 मीटर्स तक होती है। यहाँ पे काफी ज्यादा रॉकी एरिया जो है या हिली एरिया जो है इसके अंदर मौजूद है। और इसको हम आगे फर्दर तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है मोनसून इन्फ्लुएंस्ड एरिड सब ट्रॉपिकल जोन, दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन लेस इन्फ्लुएंस्ड बाई मोनसून, और थर्ड वन है बलोचिस्तान डेजर्ट स्क्रब एरियाज। इज अवर फर्स्ट रीजन ऑफ ड्राई सब ट्रॉपिकल हैबिटेट। उसके जो पहले एरिया यहाँ पे बन रहा है उसका नाम है मूनसून इन्फ्लुएंस्ड एरिड सब ट्रॉपिकल जोन। इसके अंदर जो एरियाज यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं उसके अंदर कराची, मलीर, लकी हिल्स, कोहिस्तान, कीर्थर और लसबेला के इलाके यहाँ पे शामिल हैं। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिहाज से यहाँ पे इंडियन फॉक्स, डेजर्ट कैट, चिंकारा, पेंगुलिन, वाइल्ड बोर, हाइना, रेटल्स, रेटल स्नेक्स, उसके अलावा सिंध आईबैक्स, पीफॉल, ग्रे एंड ब्लैक पेट्रेजेस, उसके अलावा सैंड ग्रूस और कॉमन क्वेल्स वगैरह पाई जाती हैं। रीजन बनता है बेटा इसका नाम है सब ट्रॉपिकल जोन लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून। यहाँ पे आमतौर पर जो बारिशें हैं वो समर्स के अंदर कम होती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो इलाके शामिल हैं उसके अंदर साल्ट रेंज जो कि कलर कहार के साथ पाई जाती है, उसके बाद आगे काला चिट्टा का पहाड़, आगे जेलम डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा डेरा गाजी खान के इलाके इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद इन एरियाज के अंदर यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो है वो ज्यादा देखेगी क्या, चूंकि यहाँ पे जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। इसके अंदर जो एनिमल्स यहाँ पे शुमार किए जाते हैं उसके अंदर उड़ियाल, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, हाइना, पेंगोलिन, हेजहॉग, उसके अलावा पार्कोपाइन, चकोर पैट्रिज, सीसी पैट्रिज, ग्रे पैट्रिज और सैंड ग्रूस शामिल हैं। थर्ड एंड लास्ट रीजन दैट इज कॉल्ड एज बलूचिस्तान डेजर्ट स्क्रब एरियाज। इसके अंदर जो यहाँ पे एरिया शामिल हैं उसके अंदर हिली और स्टोनी एरियाज जो है यहाँ पे इसके अंदर ज्यादा शुमार किए जाते हैं। यहाँ पे आमतौर पर सर्दियों में शिद्दत सर्दी की ज्यादा होती है। यहाँ पे बारिशें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, समझे यही समझे एक बारिश नहीं होती। सम टाइम देखा जाता है कि सर्दियों के अंदर हल्की फुल्की बारिश जो है वो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो इलाके शामिल किए जाते हैं उसके अंदर नॉर्दर्न कलाक का इलाका है, उसके अलावा सुलेमान की हिल्स जो हैं उनका लोअर पार्ट है, आगे बलूचिस्तान की वैली है, कुरम वैली है और वजीरिस्तान का इलाका इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर इस एरिया के अंदर जो ओवर ग्रेजिंग है वो ज्यादा होती है। ज्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे डेजर्ट लाइक एरिया जो है वो मौजूद है। जी तो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के लिए आज से यहाँ पे ब्लैक बियर, हाइना, कामन लियोपर्ड, कैराकाल कैट्स, उड़ियाल, रेड फॉक्स, गोइटेड गेजल, चकोर, सीसी पैट्रिज और सैंड ग्रूज शुमार हैं। ड्राई सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसके अंदर आपने उसके मजीद जो तीन पोर्शन थे वो उसने यहाँ उसके आपने यहाँ पे देखे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान का एरिया उसका नाम है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसके अंदर बेसिकली इंडस प्लेन्स के जो एरियाज हैं वो यहाँ पे आते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा घने जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी ओवर ग्रेजिंग जो है वो देखी गई है। इसके अंदर जो इलाके शुमार हैं उसके अंदर जांग
शिवरकोट और कसूर का जो इलाका है जो कि इंडिया के बॉर्डर पे लगता है, इसके अलावा सिंध का कुछ एरिया जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिहाज से यहाँ पे जंगल कैट, वाइल्ड बोर, फुल पेंगोलिन, चिंकारा, ब्लैक बक, नीलगाय, वाइल्ड बोर, पीफॉल, चकोर ग्रे एंड ब्लैक पैट्रिजेस, उसके अलावा कॉमन कोयल्स एंड सैंड ग्रूस शामिल हैं। नेक्स्ट मतलब जो एरिया आ रहा है इसका नाम है सैंड डोन्स डेजर्ट स्क्रब्स। बेसिकली ये जो हमारे पास एरिया है इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में रेत के टीले जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली इसको इस एरिया को डेजर्ट लाइक शेप जो है वो देते हैं। यहाँ पे आमतौर पर फसलें जो है उनको काश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे बारिशें जो है वो ना होने के बराबर होती हैं, और इस एरिया को हम सेमी डेजर्ट का नाम या डेजर्ट का नाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर जो एरिया शामिल है उसके अंदर थल, उसके अलावा चोलिस्तान का जो इलाका है या चोलिस्तान का जो डेजर्ट है, या सिंध के अंदर जो दूसरा हमारा डेजर्ट है जिसको हम थर का नाम देते हैं, ये इलाके बेसिकली इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे रेड फॉक्स, इंडियन केविट, इसके अलावा कैराकाल, वुल्फ, हाइना, चिंकारा, ब्लैक बक, मंगूज, होपी लार्क, स्पॉटेड डॉग्स, ओबारा बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड, ग्रे एंड ब्लैक पैटेजेस और सैंड ग्रूज शामिल हैं। जो एरिया आ रहा है उसका नाम रिवराइन प्लेन्स या इसका दूसरा नाम इंडस बेसिन इनुंडेशन ज़ोन्स। बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे इस एरिया के अंदर सॉरी ये जो एरिया है ये बेसिकली जो हमारे पास दरिया हैं दरियाओं के साथ वाला इलाका है, या इसके अलावा जो फुट हिल्स हैं उन इलाकों को बेसिकली इसके अंदर रिवराइन प्लेन्स के अंदर यहाँ पे शामिल किया जाता है। यानी जहां से हमारे पास रिवर के बैंक शुरू होते हैं या रिवर्स की जो साइड्स हैं जहां से शुरू होती हैं उस एरिया से ये स्टार्ट होते हैं। इस एरिया के अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में फ्लडिंग हो सकती है क्योंकि जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो बारिशें ज्यादा होने के नतीजे में इन एरियाज के अंदर जो दरिया का पानी है वो बिखर सकता है, लेकिन आमतौर पर जब बारिशें नहीं होती तो उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर ड्राई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें से कुछ एरियाज यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे स्वैम्प्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ जो कीचड़ वाली जगह जिसको हम कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, इस तरह की जगह जो है वो मौजूद हो सकती हैं, जिसके अंदर मंछार झील जो आपने सिंध के अंदर सुनी होगी, इसके अलावा गेस्पुर झील है, इसके अलावा ना ये दोनों काफी मौजूद हैं, ये ईस्ट नारा के इलाके में सिंध में मौजूद हैं। इसके अलावा बलोकी जो कि हेड बलोकी के नाम से आपने सुना होगा, इसके आसपास के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्वैम्पी एरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा लाल सोहांजा जो कि बहावलपुर के अंदर मौजूद है, यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में स्वैम्पी एरियाज जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पे एक्वेटिक वीड्स बहुत ज्यादा तादाद में मिलती हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर यहाँ पे जंगल कैट, हॉग डियर, ओटर, फिशिंग कैट, वाइल्ड बोर, नीलगाय, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, या इसके अलावा पी फॉल्स, ग्रे एंड ब्लैक पैटेजेस, क्वेल्स एंड सैंड ग्रूज शामिल हैं। Is the last region that is called as coastal areas.
बेसिकली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं या हमारे पास जो कोस्टल फॉरेस्ट जिनको हम नाम दे सकते हैं, जो कि दरियाओं या समुद्र की जो बिल्कुल कोस्ट के एरियाज के ऊपर मौजूद होते हैं, उन तमाम के अंदर यहाँ पे जो एरिया शामिल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर मकरान कोस्ट का जो इलाका है वो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ एनिमल्स पाए जाते हैं उसके अंदर फिशिंग कैट्स, हॉग डियर, ओटर, हिरॉन्स, स्टॉर्क, फ्लेमिंगोस, उसके अलावा सैंड पाइपर, सैंड प्लोवर, पेलिकेन, गुल या मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट एनिमल्स जो कि वाइल्ड लाइफ के लिहाज से इस इलाके के अंदर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं।